आइए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए। मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूरॉन में दो चीजें हैं, एक सोमाया बॉडी है, दूसरा सेल प्रोसेस है। सेल प्रोसेस में एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं। आइए इन सारी चीजों की स्टडी की जाए। मैंने पहले हेडिंग डाल दी है सोमाया बॉडी क्या है। तो जब कभी आप नर्व सेल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सभी आपने ये विचार किया। अगर आप देखें तो नर्व सेल बनाते समय आप ऐसे एक गोल सा राउंड पहले लेते हैं ऐसे, फिर इसमें आप ऐसे छोटे छोटे प्रोसेसेस उभार देते हैं। ये देखिए ये प्रोसेसेस ऐसे उभार देते हैं, ये देखिए, ये देखिए ऐसे प्रोसेस उभार देते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट है जहां से प्रोसेस उभर रही है इसे सोमा या साइटान कहते हैं। ये देखिए सोमा या साइटान कहते हैं, ये जो बीच वाला है। मतलब एक्चुअली अगर आप समझे ना तो ये सेल होती है, इसको कोई ध्यान नहीं देता। इसमें ये छोटी छोटी उभार है, इन्हें हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन कहते हैं, प्लूरल में से डेंड्राइट्स कहते हैं। और फिर आप देखिए किसी एक जगह से ऐसे बड़ा सा खिंचाव होता है और ये सेल नीचे की तरफ एक बड़ी सी प्रोसेस निकलती है और ये ऐसे नीचे चली जाती है। अच्छा नीचे जाके भी अगर आप देखें ना तो ये ऐसे नहीं रहता है, ये आगे चल के से बटन शेप स्ट्रक्चर में ऐसे खुल जाता है। ये देखिए ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जॉन कहते हैं। मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये यहां से लेके यहां तक जो सिंगल है इसे एग्जॉन कहते हैं। तो अगर आप देखें तो मेन सेल तो ये है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे इसके प्रोसेस उसे डेंड्रॉन कहते हैं और ये जो मेन लंबी प्रोसेस होती है इसे एग्जॉन कहते हैं। ये एक एक्चुअली सेल है जिसे न्यूरॉन कहते हैं हम लोग। इसमें अगर आप देखें तो अगर आप इसकी पहले सोमा को क्लियर करें कि इसकी सोमा या बॉडी में क्या क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें न्यूक्लियस किसी एक किनारे होता है, न्यूक्लियस के किनारे होता है, इसलिए आप कहते हैं सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड है। यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड माने क्या हुआ, अगर आपको लिखना हो तो पेरिकेरियन है। पेरिकेरियन माने क्या हुआ बेटा, आप इससे बोलेंगे सर पेरिकेरियन मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस किनारे है, और यूनिन्यूक्लिएटेड माने क्या हुआ, सिंगल न्यूक्लियट है, न्यूक्लियस सिंगल है और न्यूक्लियस किनारे पड़ा हुआ, इसको पेरिकेरियन कहते हैं। फिर दूसरा कमेंट लिखेंगे कि देखिए ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि ये सेल है तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स नाम लिख दीजिए दो चार, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स लाइक लिख दीजिए ईपीआर माने क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लिखिए गॉल्गी बॉडी, ये देखिए ऐसे जो भी आपके मन में आए, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, सारे सेल ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा एक्सेप्ट सेंट्रियोल, पैदा होने के बाद इस सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल। ये देखिए सबसे पहला कमेंट है, सो आफ्टर बर्थ दे डू नॉट डिवाइड। अच्छा जो इसका सेंट्रियोल होता है ये पैदा होने के बाद खत्म होता है, पैदा होने के बाद ये सेंट्रियोल बना रहता है। इसका मतलब बिफोर बर्थ इनमें डिवीजन की पावर होती है लेकिन आफ्टर बर्थ इनमें डिवीजन की पावर नहीं होती है। तो अगर आपको बनाना हो तो थोड़ा सा आप इसमें से कहीं पर एक आध जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया बना दें, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दें, ऐसा जो आपको पसंद है आप बना दें। फिर आगे अगली बात लिखें, अगर आपको अगली बात लिखनी है काम की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है काम की बात करते हैं। तो आप ये देखिए इसमें दो तरह की डाई पाई जाती है, राइबोफ्लाविन एंड मेलानिन डाई इज प्रेजेंट, राइबोफ्लाविन एंड मेलानिन डाई इज प्रेजेंट। इसके अंदर दो तरह की डाई पाई जाती है, एक डाई का नाम है राइबोफ्लाविन और एक का नाम है मेलानिन डाई। ये देखिए किसी एक जगह पर आप चाहे खींच के ऐसे लिख दें सर यहां पर डाई भी पाई जाती है, डाइस पाई जाती है। अगला कमेंट आप लिखें, माइक्रोट्यूबुल्स या न्यूरोट्यूबुल्स, ऐसे लिख लें न्यूरोट्यूबुल्स एंड न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट, न्यूरोट्यूबुल्स एंड न्यूरोफिलामेंट्स इसमें पाए जाते हैं। ये क्या है, न्यूरोफिलामेंट्स दोनों पाए जाते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं।
अभी इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है और उसे ये लोग कंडक्ट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं, माइक्रो ट्यूब्स और न्यूरो ट्यूब्स और न्यूरो फिलामेंट्स। इसमें जो सबसे खास बात है सोमा में, अगर आप पॉइंट वाइज देखें तो यहां पर एक खास तरह की स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहां पर ये देखिए, इस तरह खास तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहां पर देखिए, इसका नाम होता है यहां पर, इसे निसल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? निसल्स बॉडीज कहते हैं, निसल्स बॉडीज कहते हैं, या इसी को और भी नाम देते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। बस आप ये समझ लीजिए कि यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स। इसका डिटेल देखिए, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, इस साल नीट में पूछा गया था, जब मैं कहते हैं तब पूछते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बात आप सीख ही ले, नीट का एग्जाम का क्वेश्चन है ये देखिए। तो अगर आपको लिखना है निजल बॉडीज के बारे में, आप यहां हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट कमेंट है निजल्स बॉडीज। तो निजल बॉडीज अगर आप देखें तो इनका एक नाम और है, इनका एक दूसरा नाम है टिग्रॉयड बॉडी। ये देखिए, इनका दूसरा नाम है टिग्रॉयड बॉडी, टिग्रॉयड बॉडी नाम है इनका, नाम निसल बॉडीज है या इनका नाम टिग्रॉयड बॉडीज है। अगर आप ये देखें प्रेजेंट इन सोमा, पहले आप इनकी लोकेशन देखते कहां कहां पे है ये, प्रेजेंट इन सोमा एंड डेंड्राइट्स, ये आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में दो जगह दिखाई पड़ेंगी, सोमा में दिखाई पड़ेंगी और डेंड्राइट्स में दिखाई पड़ेंगी। एक कमेंट और फट से लिखे, अब्सेंट इन एग्जान, ये स्ट्रक्चर आपको एग्जान में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, मतलब ये जो निजल बॉडीज है, इस डेंड्राइट्स में भी है, सोमा में भी है, लेकिन इस लोकेशन में नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपसे हो जाएगी गलती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निजल बॉडीज क्या है, तो आप कह सकते हैं, सीधे ऐसे कमेंट कर सकते हैं कि सर निजल बॉडीज जो है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स है। अगर आपसे कोई पूछे कौन से राइबोसोम्स है, तो आप जवाब दीजिए सर ये 80s राइबोसोम। तो क्या है यहां पर, ये mRNA के सेंटर है, mRNA के सेंटर है, और यहां पर होती है किसकी सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये देखिए, मतलब अब आपको सब क्लियर हो गया होगा, यह आपको सेलवालोजी में पढ़ाया जाता है, यहां पर भी पढ़ाया जाता है, दोनों जगह। तो आपको सारी चीजें सीखनी है, ये सारी चीजें हैं जो सोमा में पाई जाती है, खास करके निशल बॉडीज को बहुत ध्यान दिया जाता है, पूछा जाता है ये। अब अगला देखें आप, इसके बाद दूसरी मीटिंग डाले आप कि सेल प्रोसेसेस क्या है। तो अगर आप सेल प्रोसेसेस देखें, तो सेल प्रोसेस मतलब ये हुआ कि सेल प्रोसेस में पहला हो गया डेंड्रॉन, ये देखिए डेंड्रॉन, और अगर इसे प्लूरल में कहते हैं तो ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइन है, या प्लूरल में इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स है। ये देखिए डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं इसको। तो अगर आप डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबसे पहली बात देखा जाए तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स देख रहे हैं, सबसे पहले ये स्मॉल साइज है, छोटी साइज के हैं, स्मॉल साइज है, पहला कमेंट हो गया। दूसरा मल्टीपल इन नंबर है, मल्टीपल इन नंबर मतलब इनकी ढेर सारी संख्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी संख्या देख रहे हैं, खूब सारी संख्या पड़ी हुई है सेल के बगल बगल, और सेल प्रोसेस तो है उभार, माने सेल के प्रोसेस है उभार है, ये मल्टीपल इन नंबर है। और आप देखिए अगला कमेंट, जो सबसे शानदार कमेंट है इनके लिए, देखिए दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स, ये एडजेसेंट न्यूरॉन्स से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, एडजेसेंट न्यूरॉन्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ कंडक्शन कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझें कि बाहर से अंदर की तरफ कंडक्शन कर रहे हैं, इस तरह से कंडक्शन कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ न्यूरॉन्स कंडक्शन कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के कंडक्शन को जो बाहर से सेंटर की तरफ कर रहा है, इसे हम लोग सेंट्रीपेटल कंडक्शन कहते हैं। ये देखिए सेंट्रीपेटल कंडक्शन कहते हैं, ये देखिए
सेंट्रीपेटल कंडक्शन कहते हैं। इनमें क्या क्या है अगर आप देखें तो इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है और इनमें माइक्रोफिलामेंट्स भी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है और नेजल बॉडीज भी है। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं क्यों, ताकि बगल की न्यूरॉन से ये चीजों को कंडक्ट कर पाए, रिसीव कर पाए, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ताकि इजिली रिसीव स्टिमुलस, इजिली रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स, जो बगल के न्यूरॉन्स हैं उनसे ये मटेरियल को स्टोर कर पा, एडजेसेंट न्यूरॉन्स जो बगल के न्यूरॉन्स हैं उनसे चीजों को ये रिसीव कर पाए, जो भी मैसेज आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव कर पाए, इसीलिए ये डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। तो ये सेल के छोटे छोटे प्रोसेस हैं जो इसको, मतलब बगल की सेल से जो है ये कवर कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो इस तरह से, अगर आप देखें तो ये एग्जान है, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। मैं आपको अभी नर्व सेल पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने आपको नर्व फाइबर नहीं पढ़ाया है। तो पहले आप नर्व सेल देख लें, फिर आप नर्व फाइबर देख लें। अब इस सेल में अगला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या, एग्जाम पढ़ना है। आइए एग्जाम के बारे में देखते हैं। क्या करे, चल रहा है बंद हो गया, अभी दिख रहा है लेकिन। और बेटा देखा जाए, इसका जो है अगला पार्ट जो है एग्जाम है। तो एग्जाम जहां से निकलता है, ये देखिए लंबी प्रोसेस है। तो अगर आप चाहें तो एग्जाम पार्ट में लिखें कि सबसे पहली बात तो ये सिंगल है। एग्जाम जो होता है हमेशा सिंगल होता है नर्वस सेल में, ध्यान रखिए इसका, एग्जाम सिंगल होता है। दूसरी बात देखें इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। मतलब एग्जाम की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग, इसकी मेम्ब्रेन को, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, आप एक ही समझे, कुछ स्पेशल नहीं है जो आपको नहीं आता है, ये एक्सोलेमा है। ये देखिए इसमें यहां पर फ्लूड भरा हुआ है, ये फ्लूड भरा हुआ है, ये देखिए इस फ्लूड को हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म के बारे में आपको डिटेल पढ़ाएंगे। तो इसके साइटोप्लाज्म को, जिसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इससे साइटोप्लाज्म कह के हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। डिटेल पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करें, हमारे ऊपर छोड़ दें, ये बात मैं सिखाऊंगा आपको पक्का। ये क्या करता है कि जैसे आपने डेंड्राइट्स तो देखा था कि डेंड्राइट्स जो है मैसेज को सेंटर की तरफ लाते हैं, तो ये सेंटर से इसको बाहर की तरफ ले जाता है। एग्जाम जहां से निकलता है उस लोकेशन को एग्जाम हिल्लक कहते हैं। ये देखिए इसे एग्जाम हिल्लक कहते हैं, या इसी जगह को हम लोग ट्रिगर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिगर जोन। ये देखिए एग्जाम हिल्लक या ट्रिगर जोन कहते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं एग्जाम हिल्लक या ट्रिगर जोन क्या है, मान लीजिए एग्जाम हिल्लक क्या है, तो आप कहेंगे सर एग्जाम हिल्लक वो जगह है, ये देखिए, जहां से एग्जाम एराइज करता है। एग्जाम जहां से एराइज करता है उस लोकेशन को हम लोग एग्जाम हिल्लक कहते हैं। तो इसे ट्रिगर जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्शन पोटेंशियल यहां से बेटा जनरेट करती है। ये वो लोकेशन है नर्व सेल में, ये लोकेशन जहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिगर जोन कहते हैं। ट्रिगर करती है, जैसे वो कट्टा चलाते हैं तो ट्रिगर करता है, ऐसे भी ट्रिगर करता है। नेक्स्ट देखिए, एक बात और देखें, एक्सोप्लाज्म हैज न्यूरोट्यूब्यूल्स, इसके पास न्यूरोट्यूब्यूल्स हैं जो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करा रहे हैं, बट लैक निशल ग्रेन्यूल्स, इसके पास निशल ग्रेन्यूल्स नहीं है। ये देखिए
बट लाइक न्यूरल ग्रैन्यूल्स, इसके पास न्यूरल ग्रैन्यूल्स नहीं लेकिन न्यूरोट्यूबुल्स है। ये जो कंडक्शन है ये फ्रॉम सोमा टू, फ्रॉम सोमा टू, ये जो कंडक्शन कर रहा है फ्रॉम सोमा टू आउटसाइड है। इसमें जो कंडक्शन है सोमा से आउटसाइड में है, इसलिए इस तरह के कंडक्शन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। ये देखिए इसके टर्मिनल एंड पे, ये जो देख रहे हैं आप टर्मिनल एंड पर, ये देखिए इसके टर्मिनल एंड पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे टीलोडेंड्रिया कहते हैं, टीलोडेंड्रिया कहते हैं। इस टीलोडेंड्रिया के बारे में आप समझ लें, ये जो टर्मिनल एंड इसे टीलोडेंड्रिया कहते हैं, और ये टीलोडेंड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है, यहां से एस्टिल कोलीन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक खास तरह के एंजाइम है जिसका नाम एस्टिल कोलीन स्टेज है, जो एस्टिल कोलीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी बातें हैं इस एग्जाम के लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो सिंपल सा आप सोचिए कि आपको समझना है कि डेंड्रॉन में और एग्जाम में डिफरेंस क्या है। पहले ये क्लियर हो जाए, डेंड्रॉन और एग्जाम में क्लियर कि डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं दोस्त, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिगर बना हुआ है देख लीजिए क्या डिफरेंस है। तो अगर आप देखें तो डेंड्रॉन जो है स्मॉल साइज्ड है, देख लीजिए डेंड्रॉन छोटी साइज के हैं, स्मॉल साइज्ड है, ये लार्ज साइज है, पहला फर्क हो गया, साफ साफ दिख रहा है। देख रहे हैं एग्जाम कितना लंबा है और डेंड्रॉन छोटे छोटे हैं, फर्क है भाई। फिर देखो ये स्मॉल साइज है लेकिन मल्टीपल इन नंबर है, इनकी संख्या अगर आप देखें इनकी ढेर सारी संख्या है, मल्टीपल इन नंबर इनकी संख्या ढेर सारी है, लेकिन ये सिंगल होगा, हमेशा सिंगल होगा। और देखें दोनों फर्क, यहां पर नेजल बॉडीज प्रेजेंट है, नेजल बॉडीज एंड न्यूरोट्यूबुल्स, नेजल बॉडीज एंड न्यूरोट्यूबुल्स प्रेजेंट है। ये देखिए यहां पर लिखिए नेजल बॉडीज अब्सेंट है, नेजल बॉडीज यहां पर अब्सेंट, ध्यान रखिएगा नेजल बॉडीज अब्सेंट है। इसका दूसरा उल्टा मतलब ये हुआ कि वहां पर न्यूरोट्यूबुल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी हुआ। ये देखिए नेजल बॉडीज प्रेजेंट है, फिर देखिए यहां पे और क्या डिफरेंस है दोनों का, दोनों का डिफरेंस ये है कि इसका जो कंडक्शन है ये बाहर से सेंटर से मतलब बगल के न्यूरॉन से ये मैसेज अंदर ले आता है। एग्जाम जहां से जनरेट होते हैं वहां पर एग्जाम हिल्लक है, एग्जाम हिल्लक वो जगह है जहां से एग्जाम जनरेट होते हैं, मतलब एग्जाम जनरेट होते हैं, ये सीखना है आपको। एग्जाम हिल्लक वो जगह है जहां पर एग्जाम जनरेट होते हैं, लेकिन यहां पर नो एग्जाम, नो एनी हिल्लक, आपको कभी यहां पर हिल्लक नहीं दिखाई पड़ेगा। ये देखिए नो एनी हिल्लक, यहां पर जो कंडक्शन है डेंड्रॉन्स में वो सेंट्रीपेटल कंडक्शन है। सेंट्रीपेटल माने क्या हुआ, ये बगल के न्यूरॉन से मैसेज ले आते हैं। यहां पर जो कंडक्शन है बेटा वो सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब क्या हुआ ये सोमा से मैसेज बगल के न्यूरॉन में ले जाता है, जो मैसेज ले जा वो मैसेज ले आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आइए मैं आपको फट से टाइप्स ऑफ नर्व सेल पढ़ा देता हूं। अगर आप उनके टाइप्स देखते हैं तो पहला होता है जिसे ए पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, ए पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ए पोलर न्यूरॉन्स अगर आप देखें तो ए पोलर न्यूरॉन्स के बारे में अगर आप समझें तो ओनली सोमा इज प्रेजेंट। अगर किसी न्यूरॉन में केवल सोमा है तो उसे हम लोग ए पोलर कहते हैं। अगर एग्जांपल कोई पूछे फट से लिखिए सर हाइड्रा, हाइड्रा मतलब कौन सा फाइलम, सिलेंट्रेटा, फट से बोलिए, मतलब सिर्फ सोमा है, चाहे ए पोलर कहें और चाहे नॉन पोलर कहें, सिर्फ सोमा है, कुछ है ही नहीं। दूसरा अगर आप देखें तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के जो पोल्स बनाते हैं वो दो लोब बनाते हैं। अगर आप यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखते हैं
तो समझ लीजिए सीधे लिखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखें, बिल्कुल आप चिंता मत करें, चिंता का काम हमारा है, आप सिर्फ सीखें चीजों को। इसमें एक एग्जान है और सोमा है, बस। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये सोमा है, ये सोमा है, और बस आपको इसे एग्जान बना देना है, वन एग्जान विद सोमा, क्योंकि पोलैरिटी एग्जान और डेंड्राइट्स बना रहे हैं सोमा की। सोमा कोई भी पोलैरिटी यही बनाता है। एग्जाम्पल, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हम मां के एम्ब्रियो में रहते हैं, एम्ब्रियो में रहते हैं, तब आपको इस तरह के निगरान देखने को मिलते हैं। तीसरा देखिए, स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। अगर आप इन्हें देखें, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन को, तो ये देखिए सोमा विथ सिंगल एग्जान, एक सोमा है जो उसके पास सिंगल एग्जान है, सिंगल एग्जान, ये देखिए ये सोमा है, ये इसके पास ये एग्जान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इसे निकला रहता है, आप चाहे निकले, ये एग्जान है, ये क्या है, सोमा है, लेकिन इसमें ये स्ट्रक्चर जो निकला है इससे क्लियर नहीं कि ये यूनिपोलर है या क्या है, जबकि इसमें अगर आप देखें तो ये सोमा है और ये एग्जान है, यहां क्लियर है, इसमें कोई और आउटग्रोथ नहीं है, लेकिन इसमें आउटग्रोथ है, तो ये हो गया। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें, तो ये हो गया डार्सल रूट गैंग्लियन, डार्सल रूट गैंग्लियन, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये देखिए डार्सल रूट गैंग्लियन। तीसरा देखिए, चौथा टाइप, चौथा इसका अगर आप टाइप देखें तो वो न्यूरॉन होते हैं जिन्हें हम लोग बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं। सिंपल सी बात है, परेशान ना हो आप, ऐसे सोचे बाईपोलर न्यूरॉन किसे कहा जाएगा जिसमें दो पोल्स। तो अगर आप देखें तो इसमें सिंपल है, सोमा विद सिंगल एग्जान एंड सिंगल डेंड्रॉन। जब किसी सोमा में सिंगल एग्जान और सिंगल डेंड्रॉन होते हैं, दोनों सिंगल सिंगल होते हैं, तो उसे हम लोग बाईपोलर कहते हैं। जैसे ये फिगर है, सोमा है, लिख लीजिए सर ये सोमा है, इसी में एक डेंड्रॉन भी हो, इसे यहां पर ये देखिए डेंड्रॉन हो और इसी में एक एग्जान भी हो, तो कैसा हो गया, बाईपोलर। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए रेटिना पे, हमारी रेटिना पे ऐसा देखने को मिलता है, ये रेटिना ऑफ आई। लास्ट है, अंतिम न्यूरॉन जो आप सीख लें, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन बोर्ड पे ऑलरेडी बना हुआ है, मल्टीपोलर न्यूरॉन ह्यूमन का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप इसमें देखा तो सोमा के साथ मेनी डेंड्रॉन है, खूब सारे डेंड्रॉन है, मेनी डेंड्रॉन है और सिंगल एग्जान है। एग्जाम्पल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन, एनसीईआरटी। ये पांचों टाइप के न्यूरॉन्स हमारी खूबसूरत एनसीईआरटी में लिखे गए। तो एपोलर माने जिसमें सोमा है, यूनिपोलर माने जिसमें सोमा के साथ एक एग्जान है, बाईपोलर माने सोमा के साथ एक एग्जान और एक डेंड्रॉन है, स्यूडो यूनिपोलर में सोमा के साथ एग्जान है लेकिन एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है जो क्लियर नहीं है कि डेंड्रॉन है क्या 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 चीज है, और मल्टीपोलर में बेटा सोमा के साथ ढेर सारे डेंड्रॉन और एक एग्जान है। इस बोर्ड पे ये जो न्यूरॉन बना हुआ है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। सबसे तेज, सबसे एडवांस्ड जिसमें न्यूरॉन होता है मल्टीपोलर होता है, और हमारे ह्यूमन का करेक्टरिस्टिक, हमारे ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है, मनुष्य में जो नर्वस सिस्टम है, उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं पोलैरिटी कौन तय करता है न्यूरॉन्स की, तो आप कहेंगे सर सोमा तय करती है और एग्जान तय करता है। किसी का सॉरी पोलैरिटी जो तय करते हैं वो एग्जान और डेंड्राइट्स तय करते हैं। जब एक एग्जान है तो यूनिपोलर, एक एग्जान डेंड्रॉन दोनों है तो बाईपोलर, और ढेर सारे न्यूरॉन है, एक एग्जान है तो मल्टीपोलर। इस तरह से आपको मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा दिए।